लोग भी माना चाहते हो भाई सात सात आठ आठ हजार पे एक हफ्ते में। अगर आप एक नए राइडर हो तो आप लोगों के लिए आज की वीडियो में लेके आ चुका हूँ कि आपको जो है भाई ब्लिंकिट में पहले दिन काम कैसे करना है, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा मैं भाई। गिग बुक करने से लेके ऑर्डर को डिलीवर करने तक ऑल डिटेल सब कुछ एक्सप्लेन करवाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बिना स्किप किए एंड तक पूरी वीडियो को देखना, ठीक है। तो मैं हूँ सनी राइडर, आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करना, ठीक है। और नए बंदे जुड़ रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो न्यू ज्वाइनिंग के लिए सबसे तगड़ी ऑफर मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, उनको सिखाने वाला हूँ आज मैं कि भाई हमें जो है पहले दिन काम कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो कि आपने जो है अपने ब्लिंकिट ऐप में चले जाना है, जिसकी आईडी बनी होती है सबको पता होता है कि उसके पास जो है ब्लिंकिट पार्टनर ऐप आ जाता है, ठीक है। तो पार्टनर ऐप के अंदर जाते ही आपने जो है सबसे पहला काम क्या करना है, एडवांस गिग बुक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने लगा रखी है अभी, तो आप देख लो यहाँ 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि 6 तारीख की मैंने ऑलरेडी एडवांस बुक गिग जो है बुक कर रखी है। तो अभी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि हम 7 तारीख की गिग कैसे बुक करते हैं। तो मैंने जो है 7 तारीख के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो ऑप्शन पे आउट वगैरह गिग, हमने जो है गिग्स के अंदर जाना है। पहले गिग्स के अंदर गए हम, यहाँ पे हमने और कहीं भी नहीं जाना, ना फीड पे जाना ना कहीं और पे जाना, हमने सीधे जाना है गिग्स पे। 7 तारीख पे हम चले जाते हैं। तो 7 तारीख में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 से 7 आप जितने घंटे काम करना चाहते हो उतने घंटे आप यहाँ पे ऐसे टिक मार्क करके इसे पहले बुक कर लोगे, ठीक है। जैसे मैंने ये 1 बजे तक कैसे बुक कर दिया, और यहाँ नीचे आ रही है ऑप्शन बुक की, तो आपने जो है इसे बुक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे बुक कर लेते हो, बुक करते ही आपने जो है इसे ओके कर देना, तो ये हो जाती है बुक, ठीक है। बुक करने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या रहता है कि आप लोगों ने मतलब जैसे ही आपने ये जो है बुक कर ली, उसके बाद आप लोगों ने जाना है अपने स्टोर। जैसे मान लो कि मैंने 7 तारीख कर ली है, अगर आप 7 तारीख सुबह की आपने गिग बुक कर रखी है तो आपने जो है सुबह 6 बजे से पहले पहुंच जाना है स्टोर पे, ताकि 6 बजते ही आपने जो है स्कैन करना है। तो पहले हम चले जाते हैं भाई, यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग वगैरह भी लगा रखी है। तो यहाँ पे आप देख लो कि सबसे पहले मैं जो हूँ, मैं अपनी एक कहानी बता देता हूँ आपको कि हमें जो है पहले दिन कैसे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि मैं साफ साफ सीधा गया वहां स्टोर, पहले मैं वहां पे रुका, अपनी बाइक खड़ी करी, देखा मैंने वहां पे सारा का सारा मतलब धीरे धीरे राइडर जो है स्टोर पे आ रहे थे उससे, और उसके बाद बाइक खड़ी करने के बाद मैंने जो अपनी आईडी खोली, ओपन करा। अब मैंने देखा कि भाई 6 बजने वाले हैं, तो 6 बजते ही मैंने जो है पहले जाके करा स्कैन, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्क्रीन पे वहां जो आपके जो स्टोर के बाहर स्क्रीन लगी होती है राइडर्स के लिए, वहां एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पे जो है QR कोड चलता रहता है, ठीक है। QR कोड जो है हर सेकंड में ऐसे ऐसे चेंज होता रहता है। आपने जाते ही सीधे वहां पे वो करना है, स्कैन करना है, स्कैन करके आपने जो है वेट करनी है। आप जैसे ही वेट करना है शुरू कर देते हो, तो जैसे ही मान लो कि 6 बजते हैं, 6 बजे के बाद जो है पिकर स्टोर पे आ जाते हैं, और उन पिकरों को पहले ऑर्डर पड़ता है। जैसे मान लो कोई पिकर अंदर है, उसे जो है उसने आईडी ऑन कर ली, वो भी पिकर भी 6 बजे के टाइम आ जाते हैं, पिकर को ऑर्डर पड़ेगा। और उसके बाद जब पिकर ऑर्डर पैक कर रहा होगा, उसी टाइम आपको जो है ऑर्डर पड़ेगा, अगर आपने पहले कर रखा है बाद में कर रखा है। तो जैसे आपको पहला ऑर्डर पड़ता है, आपने पहले ऑर्डर को क्या है, आपने पहले ऑर्डर को करना है वहां से पिक, ठीक है। मतलब आपने पिक करा, फिर उसका ऑप्शन आती है, आपने रीच करना है कि क्या आप स्टोर पे हो, आपने जो है रीच कर देना है, उसे रीच कर दिया। फिर उसके बाद जो है भाई पिकर आता है, आपको सामान दे देता है, ठीक है। आपने सामान लेना है, और आपने जो है आइटमें चेक करनी है कि क्या वो सारी आइटमें उसमें है कि नहीं है, ठीक है। कई स्टोरों पे क्या है, कई स्टोरों पे बहुत अच्छा सिस्टम हो रखा है, जैसे कि भाई कई स्टोरों में ऑटोमेटिक ही अंदर से वो सील पैक करके दे रहे हैं, उनमें जो है मिसिंग आइटम का होना बहुत ही कम है। बट कई स्टोरों पे क्या होता है कि ऐसे नंबर वाइज नहीं चल रहे हैं, जैसे भाई स्विगी में होता है वैसा सिस्टम नंबर वाइज नहीं चल रहा है, तो भाई हैंड ही पकड़ाया जाता है। तो उसमें जो है नए राइडर को ध्यान देने लायक चीज ये है कि भाई उसे देखना ही पड़ेगा सामान की उसमें कोई आइटम कम तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके अगर आप लोग देख लोगे तो क्या था बेचारे पिकर की कंप्लेंट बढ़ने से या फिर राइडर के पैसे कट होने से बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है पिक करना है, जैसे ही पिक करते ही आपने किसी से नहीं पूछना कुछ भी, आपने जो है मैप मार के देखना है। मैप जैसे ही मारा आपने, आपको जो है लोकेशन मिल जाएगी मैप पे कि आपने जाना कहाँ है, ठीक है। मैप मार लेते हो तो सीधे आप जो हो लोकेशन पे पहुंच जाते हो। लोकेशन पे पहुंचने के बाद कई बार क्या होता है 100-150 मीटर इधर उधर होते हैं घर, ठीक है। तो आपने जो है घबराना नहीं है, आप इधर उधर देख के मतलब थोड़ी सी इनको अपनी जो है मतलब स्किल को अप्रूव करने की कोशिश करो। आप नंबर वाइज जैसे मान लो कि ये वाला घर यहाँ है, जैसे मान लो 55 नंबर घर यहाँ है, तो क्या मतलब
क्या होता 50 नंबर अगर उसकी बैक साइड हो या इधर उधर साथ में हो गई तो आपने भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है, मतलब खुद को इतना मिच्योर रखना है ना कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप काउंटिंग कर लो कि ये यहाँ है 55 तो आई थिंक 50 उधर हो सकता है, ठीक है। तो आपने जो है जितनी जल्दी आप खुद को मतलब वो करोगे कि नहीं मैं एक जूनियर नहीं हूँ बल्कि मैं जो हूँ मतलब पूरा का पूरा ट्रेंड बंदा हूँ, ठीक है, तो आपको उसमें जो है बेनिफिट इस चीज का है कि आप जितनी जल्दी ऑर्डर डिलीवर करोगे उतनी जल्दी ही आप नेक्स्ट ऑर्डर लेने के लिए स्टोर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अर्निंग में बढ़ोतरी तभी होती है। तो यहां पे आप देख लो कि मैंने जो है मतलब वहां जैसे ही मैं पहुंचा लोकेशन पे पहुंच के आपने जो है फिर से रीच करना है कि आप जो हो कस्टमर की लोकेशन पे खड़े हो, उसके बाद आपने जो है कस्टमर को कॉल करनी है, ठीक है। कंपनी कॉल की ऑप्शन देती है, आपने कस्टमर को कॉल करनी है, कस्टमर कॉल उठाता है तो कस्टमर जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे ही कस्टमर आता है तो कस्टमर से सबसे पहले जो है आपने नाम पूछना है कि क्या आपका यही नाम है, अगर वो बोल देता है कि जी हाँ, आपने नहीं बताना उसे कि आपका क्या नाम है क्योंकि ऐसे जो है कई लोग जो है आप लोगों के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ऑर्डर करा है सनी राइडर ने, ठीक है, और उसे लेने के लिए कोई और आ जाता है, जैसे कि मान लो कि मैंने ऑर्डर करा है तो मैं वहां पे खड़ा हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि कोई राइडर आएगा और मुझे ऑर्डर देके जाएगा, ठीक है। बट वहां से एक राइडर आता है और वहां कोई चालू आदमी उस गली में खड़ा था और वो देख लेता है कि यहां पे ऑर्डर आया और वो फटाक से वहां जाता है और बोलता है भैया किसके नाम से ऑर्डर है, और राइडर बोल देता है सन्नी के नाम से ऑर्डर है, तो और वो बंदा बोलेगा सन्नी मैं ही हूं ऑर्डर दे दो मुझे, और राइडर गलती से उसे ऑर्डर दे देता है, ठीक है। तो ये वाली गलती जो है आप लोगों ने नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कोई चालू होगा बंदा होगा तो वो ऐसी चीजें जरूर करेगा, चोर लुचक्के लोग जो है होते हैं ऐसे करते हैं कि, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले नाम पूछना है, नाम बता देगा, फिर आपने बोलना कि हाउस नंबर वगैरह इतना वो होता नहीं है वैसे, बट नाम से ही हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ऑर्डर देके, ऑर्डर देने के बाद आपने जो है उसे डिलीवर मार देना है। डिलीवर जैसे मारोगे तो आपको जो है कंपनी की तरफ से पैसे मिल जाएंगे। पैसे मिलते ही आपने जो है कुछ नहीं देखना, ना देखना दाएं ना देखना बाएं, आपने सीधे स्टोर पे आके फिर से स्कैन करना है। आपने ये नहीं सोचना कि आप स्टोर पे पहुंचे ऑर्डर पड़ गया, नहीं, आप स्टोर आओगे फिर से आप नेक्स्ट टाइम स्कैन करोगे, उसके बाद आपने थोड़ी देर वेट करनी है फिर आपको ऑर्डर पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा झंझट नहीं है, आप एक दो ऑर्डर पिक एंड ड्रॉप करोगे तो आपको इजिली पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले दिन काम करना देखा कितना आसान था, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करवा दिया। अगर आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको जो हूँ भाई रिप्लाई दे दूंगा, हर बंदे के जो कमेंट का रिप्लाई मैं देता ही रहता हूँ, ठीक है। मैं किसी बंदे का भी जो कमेंट इग्नोर नहीं करता हूँ, ठीक है। आप मेल भी कर सकते हो मुझे कुछ भी पूछना चाहते हो, चाहे अगर नई ज्वाइनिंग करना चाहते हो, नई ज्वाइनिंग करने के रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। इस टाइम जो है 12,600 रुपये अर्निंग चली हुई है भाई, रेफर अर्निंग, ठीक है। ज्वाइनिंग अगर आप इस टाइम ज्वाइन करते हो तो 12,600 रुपये कंपनी आपको देने वाली है, ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करना, बाकी नए भाइयों तक मेरी आवाज को पहुंचाओ और बताओ उनको भी कि भाई नई ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं पहले दिन काम। वाओ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल गाइस, बाय बाय।